नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना बिलरियागंज क्षेत्र का निवासी गैंग डी 87 का गैंग लीडर साथी दुर्दान गो तस्कर हिस्ट्री शीटर अपराधी नवसाद पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। वह अन्य गो तस्कर अपराधी भी गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 2 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 315 बोर व 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। आपको बता दें कि रात में 2 बजे थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मैं हमरा द्वारा बदमाशों के आने की सूचना पर नसीरपुर मोहम्मदपुर रोड पर बिलरियागंज मोड़ तिराहे के पास पहुंचकर घेराबंदी किया गया। तभी मोहम्मदपुर की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग दिख जाते दिखाई दिए। रोकने के लिए इशारा किया गया तो पुलिस को देखकर एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस बल द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, इसमें एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल आजमगढ़ लाया गया। घायल बदमाश की पहचान नौशाद पुत्र अंसार निवासी मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज उम्र करीब 38 वर्ष के रूप में हुई है। इस पर पहले से 15 मुकदमे दर्ज है। दूसरे गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान शहनवाज पुत्र मुस्तकीम निवासी नसीरपुर थाना बिलरियागंज उम्र करीब 35 वर्ष के रूप में हुई है। अभियुक्त के कब्जे से 2 देसी तमंचा, 2 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 850 रुपये, 1 मोटरसाइकिल बरामद हुआ। आइए सुनते हैं मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने क्या जानकारी दी। कल दिनांक 19 मार्च 2024 को रात्रि लगभग 2 बजे शातिर गो तस्कर एवं हिस्ट्री शीटर नौशाद थाना बिलियागंज के अभियुक्त को थाना बिलियागंज की पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात्रि में लगभग 2 बजे थाना बिलियागंज की टीम को यह सूचना प्राप्त हुई कि शातिर गौतस्कर हिस्ट्री शीटर और गैंग लीडर नौशाद पुत्र अंसार निवासी मोहम्मदपुर थाना बिलियागंज अपने साथी शहनवाज पुत्र मुस्तकीम निवासी नसीरपुर थाना बिलियागंज दोनों जो कि शातिर गौ तस्कर हैं, जिन पर पूर्व में भी लगभग 2020 से 15 मुकदमे और शहनवाज के ऊपर लगभग 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। ये दोनों फिर से योजना बना रहे हैं किसी गौ तस्करी के संबंध में। इसमें सूचना प्राप्त कर नियमानुसार पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। इस घेराबंदी को देखते हुए दोनों अभियुक्तों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग खोल दी, जिसकी आत्मरक्षा में पुलिस ने अभियुक्तों के ऊपर फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त नौसाद के बाएं पैर पर गोली लगी है, जिनको नियमानुसार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और जिसके ऊपर फिर मुकदमा पंजीकृत करते हुए माननीय न्यायालय से नियमानुसार रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।